जनाब, आपकी चाहत ने, आपकी मोहब्बत ने, आपकी दीवानगी ने फिर से हमें मजबूर कर दिया। RPS 08 2024 का लेटेस्ट अपडेशन इस चैनल, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज की तारीख में यमुना अथॉरिटी की तरफ से जो एक रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम लाई गई थी, जो आज की तारीख में बंद हो चुकी है, उसमें कितने आवेदन आए हैं, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कैटेगरी वाइज, जो साइज 361 नंबर ऑफ प्लॉट्स अथॉरिटी के, यमुना अथॉरिटी ने निकाले थे, उसका आपको एक डिटेल हम कैटेगरी वाइज आपको अपडेशन देने जा रहे हैं। आप अपनी किस्मत, अपने मौकों का ताला आपका खुलेगा या नहीं, इस वीडियो से अंदाजा लगा पाएंगे। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प जनाब होने वाली है आप सभी के लिए, इसलिए आप दिल थाम के बैठिए और हर कैटेगरी वाइज कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हुई है वो एक बार जान ले, ताकि आप अपना प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि आपका 10 अक्टूबर को जो ड्रॉ यमुना अथॉरिटी करने वाली है उसमें भागीदारी का हिस्सा आप बन पाएंगे या नहीं। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का पहले जोरदार स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे भाई बंधु सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हर खास अपडेशन स्कीमों से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से मिलता रहा है और मिलता रहेगा। जनाब, मात्र 361 प्लॉट और आज की तारीख में स्कीम बंद हो चुकी है। तो आपको बता दे, इस यमुना अथॉरिटी को इसका जो पैसा लगभग, आपको बता दे, लगभग 12 करोड़ के आसपास का, जी हां 12 करोड़ के आसपास का पैसा इस स्कीम से प्राप्त हुआ है। और अगर हम स्कीम की नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की जनाब बात करें, तो ये आज के समय में इसका आंकड़ा 2 लाख से ऊपर, जी हाँ लगभग 2,02,000 के आसपास का आंकड़ा आवेदन का, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का इसमें, इस स्कीम में देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम सबको पता है, मात्र 361 नंबर ऑफ प्लॉट्स की स्कीम यमुना अथॉरिटी की तरफ से निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ अन्य चैनलों पे या कुछ सोशल मीडिया पे या हम कहें कुछ अखबारों में जिस तरीके का प्रावधान, इसका हटके 2000 नंबर ऑफ प्लॉट्स के आसपास का प्रावधान आपको देखने को मिला, लेकिन यमुना अथॉरिटी की तरफ से कहीं पे भी रिटर्न कम्युनिकेशन आपको स्कीम का अथॉरिटी की वेबसाइट पे आपको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी लोगों ने सोशल मीडिया कहे या कोई अन्य हम नेटवर्किंग वेबसाइट बोले, जिसके माध्यम से लोगों ने इस स्कीम में और बढ़ चढ़ के भागीदारी का हिस्सा लिया, क्योंकि 2000 नंबर ऑफ प्लॉट्स हो जाते हैं जनाब बहुत ज्यादा। बाद में स्कीम अपने आप उसको काट के दोबारा 361 पे ही रह गई, तो कि लेकिन स्कीम की डेट ऑफ एक्सटेंशन भी इसकी बड़ी थी। तो आपको ये बता दे, डेट ऑफ एक्सटेंशन हम सबको पता है 23 अगस्त को जनाब ये फाइनली बंद हुई, जो ये स्कीम 5 अगस्त 2024 को खत्म होनी थी, लेकिन इसका डेट ऑफ एक्सटेंशन 23 अगस्त 2024 रखा गया। पहले इसका डेट ऑफ ड्रॉ 20 सितंबर होना था, लेकिन जब इसकी डेट ही 23 अगस्त 2024 हो गई, तो जनाब इसका आपको 10 अक्टूबर को ड्रॉ देखने को अब मिलेगा। तो जनाब, ये जो 10 अक्टूबर 2024 का डेडलाइन आप सभी को अपडेशन बाद में मिला, लेकिन 361 प्लॉट जो रह गए, ये 361 प्लॉट आपको ये बता दे, इसमें लोगों ने, इस स्कीम हम अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कीम है, क्योंकि ये जनाब जो स्कीम इस बार में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो इस बार आए हैं वो ताबड़तोड़, हम कहे बियॉन्ड, हम कहे लिमिट के आपको इस स्कीम में देखने को मिलेंगे। फिगर्स हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं, और साथ में पेमेंट प्लान 1 के हिसाब से कितने लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, क्योंकि अगर हम पिछले पुराने रिकॉर्ड की बात करें, अगर हम पुराने रिकॉर्ड की बात करें, कोई भी वो स्कीम रही हो, ज्यादातर पेमेंट प्लान 1 ही सिर्फ जनाब उन्हीं को ही इसमें भागीदारी का, किस्मत आजमाने का हमेशा मौका मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमेशा हो जाती हैं ज्यादा। तो चलिए अब कैटेगरी वाइज 1 बाय 1 हम आपको एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो
तो जनाब अगर हम 120 स्क्वायर मीटर साइज के प्लॉट की बात करें जिसपे मात्र आपको 84 प्लॉट्स अथॉरिटी ने स्कीम में निकाले, आपको ये बता दे जनाब इसके लिए जो एप्लीकेशंस आई वो लगभग 73,000 की फिगर में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इसकी रिसीव हुई है अथॉरिटी को, जिसमें से लगभग 67,500 के आसपास लोगों ने पेमेंट प्लान वन के लिए ऑप्शन चुना है। कहने का मतलब 67,500 का आप मात्र 84 प्लॉट से मुकाबला कर लीजिए, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या रेशियो बनता है, आप इसमें अपना किस्मत का होप अब इसमें सोच सकते हैं। अगला 162 स्क्वायर मीटर साइज का जिसमें मात्र 77 नंबर ऑफ प्लॉट्स अथॉरिटी की तरफ से निकाले गए थे जनाब, इसमें भी हम आपको बता दे 47,700 के आसपास का आंकड़ा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इसमें रिसीव हुई है, जिसमें से जिन लोगों ने पेमेंट प्लान वन ऑप्ट किया है वो 44,400 के आसपास का आंकड़ा, दोबारा सुन लीजिए 44,400 नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो पेमेंट प्लान वन के लिए ऑप्ट हुई है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी का आप इसमें अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपका इसमें निकलेगा या नहीं। 200 स्क्वायर मीटर साइज के लिए जिसके लिए मात्र 3 प्लॉट्स थे, इसी के लिए जनाब 2,750 के आसपास इसमें एप्लीकेशंस इसमें आपको आवेदन आए हैं, जिसमें से 2,500 के आसपास लोगों ने पेमेंट प्लान वन का इसमें जो है ऑप्शन चुना है। आप समझ सकते हैं कि इसी से ही लगभग 140 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा हुआ है। 300 स्क्वायर मीटर साइज की अगर हम प्लॉट की बात करें तो 131 प्लॉट्स हम आपको स्कीम में देखने को मिलते हैं और इसमें एप्लीकेशंस लगभग आपको 63,750 के आसपास एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें वन टाइम पेमेंट प्लान वाले लोग कितने हैं तो आपको ये बता दे 59,400 के आसपास का फिगर है जिन्होंने पेमेंट प्लान वन ऑप्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी आप कितने बंदों का, इसमें कितने एप्लीकेंट्स का इसमें किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा, वो आने वाला वक्त आप सबको जरूर 10 अक्टूबर को बताएगा। आगे बढ़ चढ़ के बात करते हैं तो 500 स्क्वायर मीटर जिसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स आपको 40 मात्र देखने को मिलते हैं, इस मात्र 40 प्लॉटों के लिए जनाब 10,400 की फिगर में आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। और इसमें जो हम बात करें पेमेंट प्लान वन का तो इसमें जनाब लगभग आपको 9,850 की फिगर में जो है पेमेंट प्लान वन का जो है इसमें लोगों ने जो है इसमें अप्लाई किया है। तो 40 प्लॉटों के लिए 9,800 के फिगर के आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि आपका इसमें मौका आपको आजमाने का, किस्मत आपको इसमें आपको भागीदारी का हिस्सा बनाएगी आने वाले वक्त में या नहीं। तो चलिए मात्र 2 सेगमेंट और रह गए हैं, उसके बारे में भी फटाफट समझ लेते हैं। 1,000 स्क्वायर मीटर साइज प्लॉट में मात्र 18 प्लॉट या 18 प्लॉटों के लिए 3,850 के आसपास इसमें आवेदन एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, जिसमें से क्योंकि जनाब 1,000 स्क्वायर मीटर के हैं तो पैसे वाले लोग हैं तो लगभग इसमें 3,850 में से 3,700 के आसपास ने ही वन पेमेंट प्लान वन ही ऑप्ट किया है। तो आपको ये बता दें कि अब आप समझ सकते हैं 3,700 और कहां 18 मात्र प्लॉट, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो जनाब इस बार गेम बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, हम उम्मीद करते हैं फिर भी आपका किस्मत अगर निकलती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगला सेगमेंट लास्ट कैटेगरी जो रहती है वो 4,000 स्क्वायर मीटर साइज की प्लॉट, मात्र 8 प्लॉट, इसके लिए जनाब 1,150 आवेदन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी पैसे वाले लोग हैं क्योंकि जो 4,000 में अप्लाई करता है तो मात्र उनके पास आप समझ सकते हैं पैसा है, बेशुमार पैसा है। तो उसी के हिसाब से अगर हम जजमेंट की बात करें तो उसमें भी पेमेंट प्लान वन जो है लगभग 1,100 के आसपास, 1,150 में से 1,100 के आसपास लोगों ने पेमेंट प्लान वन इसमें ऑप्ट किया है। हम आपको साफ अक्षरों में बता दें जिन लोगों ने भी पेमेंट प्लान टू या थ्री का ऑप्शन भरा है उनका चांसेस बहुत कम ही है कि उनका ड्रॉ इसमें कंसीडर होगा, क्योंकि अगर आप आरपीएस जीरो
7/2023 की बात करें या RBI 06/2022 की बात करें या उससे पहले की कोई भी स्कीम को आप उठाएं, तो हमेशा जनाब पेमेंट प्लान वन ऑप्शन वालों का ही नंबर आता रहा है और उन्हीं का आता रहेगा। इस बार भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इस बार तो जनाब बहुत ही हम कहें तो लिमिट से बियॉन्ड जो है एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। फिगर आंकड़ा हमने आपको बता दिया, ये लगभग जो अथॉरिटी को पैसा इन सब 361 प्लॉटों में से 12,000 करोड़ के आसपास का पैसा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो पैसा रजिस्ट्रेशन के अमाउंट जमा किया गया है। हम उम्मीद करते हैं हमारे सब भाई बंधु जो इस आवाज को सुन रहे हैं उन सब में से हर एक इंसान का जिन्होंने प्लॉट भरा है जरूर किसी ना किसी का प्लॉट निकले। हम इसी दुआओं के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और जनाब वीडियो खत्म करने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो जरूर आप अपने चाहने वालों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आवेदन में अप्लाई किया है वो अपना अपडेशन अपनी चाहत सोच सकते हैं कि वाकई में ये जो हमने स्कीम में अप्लाई किया है हमारी एप्लीकेशन इसमें कंसिडर होने के कितने चांसेस बनते हैं, वह जरूर इस चीज से रूबरू अपडेट हो जाएंगे। तो विदाई देने का समाप्ति देने का वक्त आ गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं झट से जुड़ जाएं और हर खास नई अपडेशन को प्राप्त करते रहें। गुड बाय, धन्यवाद।